हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। और मैं कुछ दिनों से थोड़ी चैनल पर बहुत अपने कम आ रही हूँ, वीडियोस बहुत कम अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ी सी हूँ बिजी, और उसका क्या रीज़न है वो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। आज पता है मेरा वीडियो बनाने का ना कोई मतलब नहीं था, मतलब इन द सेंस मेरा मन नहीं था, और जिस टाइप की वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उस टाइप की वीडियो मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं है। वो बोलते हैं कि एक अच्छा सा कंटेंट लेकर आओ, ये लेकर आओ, किसी के रिलेटेड वीडियो मत बनाओ। बट आज सच में ना मुझे वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मतलब मुझे ना ये चीज़ बहुत अजीब लगी, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ चुके होंगे। हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ प्रियादीप के बारे में। यार अभी परसों उन्होंने एक आई थिंक कल या परसों उन्होंने एक वीडियो डाली थी। मैं ना बहुत रेयर देखती हूँ, बहुत रेयर नोटिफिकेशन आता है, कुछ स्पेशल लगता है तो लाइक देख लिया। बाकी मुझे इन दिनों बिल्कुल भी टाइम नहीं है देखने के लिए, ना मैं किसी की भी वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। तो मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, सारे के सारे यूट्यूबर पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, हम लोग वीडियो डाल रहे हैं बिल्कुल पैसे नहीं मिले। और जो सबसे मेरे को बेकार बात लगी, बेकार मतलब मुझे सच में मुझे नहीं समझ आई ये चीज़, और उसका मैं क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूँगी कि क्यों। सबसे पहले तो बोलती है मुझे पेमेंट नहीं मिली। मेरे को टोटल दोनों चैनल की मिला के 28,000 की पेमेंट मिली है यूट्यूब की तरफ से। फिर वो कहती है आपको पता है 14,000 मुझे पेमेंट मिली है, इतने में तो मैं दोनों लुक क्रिएट कर देती हूँ। तो मैडम कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि आप इतना कमाती होंगी, इतना ज़्यादा कि जितने में लुक क्रिएट होते होंगे उससे भी ज़्यादा कमाती होंगी, तब कभी आपने हमारे साथ ये चीज़ शेयर करी है कि इस बार मैंने इतना कमाया जो अब आप कंटिन्यूसली। और मैं ये बात और मैं आगे एक और भी बात शेयर करूंगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ये चीज़ मानते हैं कि पेमेंट नहीं आई, लेकिन वो इतना ओवर रिएक्ट नहीं बोल कर रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग का आपसे प्यार इतना है कि मतलब पेमेंट वेमेंट सब बाद में देखी जाएगी, लेकिन हम लोग वीडियो जस्ट इसलिए बना रहे हैं कि ना कि हम लोगों का एक कनेक्शन बन गया है, नहीं मिलते तो अच्छा नहीं लगता। तो ये वाली जो बात कही है ये कही है मॉम स्टूडियो रीमा ने, रीमा दी, और सच में उनकी तो मैं फैन भी हूँ। उन्होंने सीरियसली ये बोला कि पेमेंट वेमेंट तो छोड़ दो। मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद उनसे उन्होंने कौन से व्लॉग में बोला, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली कि पेमेंट वेमेंट तो कोई नहीं, लेकिन मेरा एक ऐसा कनेक्शन बन गया है। तो मैडम जब आपकी इतनी पेमेंट होती है तब कभी आप हमारे साथ ये चीज़ डिस्कस करते हो कि इस बार मैंने इतनी कमाई कर ली। मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई भी व्लॉग आया है कि आपने आज ही बोल दिया मैंने जस्ट 14,000 रुपीज़ कमाए हैं। ऐसे लोगों को देखो जो मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं कमा रहे। और एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड आईटी कंपनी में वर्किंग है, बहुत सारी एमएनसीज ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं, और आपको पता है पूरे पूरे टाइम अकॉर्डिंग टू शिफ्ट काम करते हैं। इवन इस टाइम पर इतना काम हो रहा है ना कि एक मिनट लैपटॉप से उठते नहीं है, और बहुत सारी एमएनसीज ऐसी हैं जिसमें 30% सैलरी काटी है कंटिन्यूसली प्रॉपर काम करने के बाद भी। और आप सोच सकते हो कि घर में रहकर काम करना कितना मुश्किल होता है, वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक ऑफिस में काम करना एक एनवायरनमेंट बना होता है, और घर पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतने सारे लोग हैं जो इतना इतना प्रॉपर काम करने के बाद अपनी पूरी सैलरी नहीं उठा पा रहे, और आप अगर एक महीने या दो महीने, चलो मैं 3 महीने लगाती हूँ क्योंकि लॉकडाउन 3 मंथ से है। जिन लोगों को नहीं मालूम मैं उन लोगों को ये चीज़ बता दूं कि जो YouTube पे पेमेंट मिलती है वो जो हमारी वीडियोस में एडवर्टीजमेंट चलते हैं उससे हमें पेमेंट मिलती है, क्योंकि इस टाइम पर काम इतना नहीं है तो कंपनीज वीडियोस पर अपने एड्स नहीं दिखवा रही, क्योंकि जब तक वो ऐड नहीं दिखाएंगी, हमारी वीडियोस में ऐड नहीं चलेंगे तो हमें पेमेंट नहीं मिलेगी। एक टाइम ऐसा आता था कि YouTube के पास इतने सारे प्रमोशंस के एड्स के आते थे कि उससे ही रेवेन्यू होता था, लेकिन इस टाइम पर YouTube के बाद खुद काम नहीं आ रहा तो वो हमें पेमेंट कैसे देगा। मेरी तो इवन अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आई है, और मैं तो खुश बैठी हूँ कि कोई बात नहीं यार, अगर मोनेटाइज नहीं होता तब भी तो मैं अभी बैठी होती ना शांति से।
और जब उन्होंने ये चीज बात बोली ना कि 14,000 में तो मैं दो लुक, मेरे दो लुक के कपड़े ज्वेलरी आती है, तो कभी ऐसा भी तो होता होगा ना कि इतनी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करती होंगी और उससे ज्यादा आप अर्न करती होंगी। और ये बात हर एक बंदा जानता है कि आप मेहनत कर रही हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे पीआर पैकेजेस भी मिलते हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्री का, आई एम नॉट सेइंग फ्री का, आप मेहनत करते हो तो आपको मिलता है, तो वो भी तो आप अपने इन्हीं मेकअप ट्यूटोरियल में यूज करते हो ना। माना आप बहुत पैसे लगाते होंगे कि एक लुक क्रिएट करने में, बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, और मतलब शी इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मेहनत करते हैं तो फल मिलता है, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अटपटी लगी। बहुत सारे लोग हैं कि इतना इतना काम करने के बाद उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पूरे पूरे टाइम काम करा, मालिक के पास भी पैसे नहीं है, तो वो अपनी लेबर को कैसे देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने काम किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना रेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको आगे से उनकी पेमेंट ही नहीं आ रही, तो वो कैसे करेंगे। और मैं ये नहीं बोलूँगी सभी यूट्यूबर, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको ये चीज़ का रोना तो है ही कि पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट नहीं मिली, पता आपको कुछ पेमेंट नहीं आ रही। लेकिन अभी तक के जितने भी मैंने वीडियोज़ देखे ना, मेरे को सबसे ज़्यादा इनका वीडियो खराब लगा, खराब इन द सेंस इनका रीज़न खराब लगा। और सबसे बड़ा यही रीज़न कि मैं तो 14,000 रुपीज़ में तो दो लुक क्रिएट कर लेती हूँ और मुझे ये पेमेंट मिल रही है। तो मैडम जब आपको बहुत ज़्यादा भी तो पेमेंट मिलती होगी ना, कभी ऐसा भी तो हुआ होगा इतनी ज़्यादा पेमेंट मिली होगी तब तो आपने हमारे साथ कभी शेयर नहीं किया। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ बोली, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होगा। इवन एक और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनकी तो मुझे मतलब कंडीशन भी काफ़ी हद तक लगती है कि बहुत नीडी लगती हैं। उसके बाद भी उन्होंने भी रिएक्ट करा, बट ऐसा रिएक्शन नहीं था जैसा इनका था। और सबसे ब्यूटीफुल तो रीमा दी का, उन्होंने तो बहुत स्वीटली, बहुत काम एंड कूल कि नहीं आ रही पेमेंट या नहीं बहुत कम मिल रहा है, और ये सब बात यूट्यूबर सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा कनेक्शन इतना अच्छा बन गया है कि मैं तो वीडियो डालूंगी। एंड शी इज़ वेरी काइंड लेडी, और मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बस यही रीज़न था, मेरे हस्बैंड से मैं पूछ रही थी मैं वीडियो बना लूँ, मना कर रहे थे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बोला नहीं यार प्लीज़ बनाने दो ना, तो फिर बोलने लगे अच्छा चलो देख लो, तो मुझे नहीं पता। तो अगर आप भी मेरे रीज़न से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और प्लीज़ ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, इसको नेगेटिव वे में लेना ही नहीं, इट्स जस्ट माय थॉट कि मैं क्या सोचती हूँ। और थैंक यू।